आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आपकी मशीन बार बार धागा तोड़ रही है, तो वो किस कारण से तोड़ रही है, उसको सुधारने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले तो हमें मशीन में प्रॉपर ऑयल डालना है। तो ऑयल कहाँ कहाँ डालना है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ दो बूंद यहाँ पे जो तीन होल दिख रहे हैं इनमें डालना है। फिर इधर साइड से यहाँ पे डालना है, इस वाले होल में डालना है, तीन जगह यहाँ पे डालना है, दो यहाँ पे, तीन होल यहाँ पे, एक इधर साइड में, यह यहाँ से खुल जाता है, यहाँ से इसको भी ऑयल डालना है। इसके बाद हम मशीन को थोड़ा सा उठाएंगे यहाँ से पीछे की ओर, तो ये नीचे का पोर्शन खुल जाएगा इसका। यहाँ पे भी हमें प्रॉपर तरीके से ऑयल डालना है, सब जगह जहाँ जहाँ पे मशीन का पार्ट घूमता हो। हम इसे मशीन को चला के देख लेंगे, जहाँ जहाँ पे मशीन घूम रही है वहाँ वहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमें ऑयल डालना है। ये देखिए, ऑयल डालने के बाद इसको हम नीचे कर देंगे। यदि हमारी मशीन धागा तोड़ रही है बार बार, तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि हमारी सुई उल्टी लगी है, सुई सही से नहीं लगी है। तो सुई को हमें निकाल के चेक करना है, और तो हमें सुई को चेक करना है, और सुई लगाने का तरीका मैंने मेरी पिछली वीडियो में बता रखा है, वह मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं सुई कैसे लगाते हैं सबसे आसान तरीके से, प्रॉपर तरीके से। तो हमें सुई को चेक करके, यदि हमारी सुई गलत लगी हो तो उसको सही से लगाना है, उसके कारण भी धागा तोड़ती है। सही से सुई लगाने के बाद हमारी मशीन धागा नहीं तोड़ेगी। यदि मशीन में सुई सही से लगा दिए फिर भी हमारी मशीन धागा तोड़ रही है, तो उसका एक और कारण हो सकता है कि हमारी मशीन में कहीं ना कहीं धागा या कचरा तो नहीं फंसा हुआ है। तो हमें यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे कचरा वगैरह फंसा हुआ हो तो उसे हमें साफ़ करना है, नीचे कहीं धागा फंसा हो तो उसे साफ़ करना है। तो इसे हमें पूरी प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना है, कहीं पे कचरा धागा तो नहीं है, इसको हमें निकाल के साफ कर लेना है और फिर ऑयल कर देना है, तो इससे हमारी मशीन धागा बार बार नहीं तोड़ेगी। आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने वीडियो में कुछ नया सीखा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।